हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत कालिदास सच सच बतलाना कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन उन दो तीन कवियों में से एक रहे हैं जिन्होंने हिंदी कविता की प्रगतिवादी धारा को आम जनता के जीवन से जोड़ उसकी ही बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया। सामाजिक विषमता, पुलिसिया दमन और राजनीतिक विडंबनाओं का सीधा विरोध और उन पर तीक्ष्ण व्यंग को नागार्जुन ने अपनी कविता की शक्ति बनाया था। युगधारा, सपत, प्रेत का बयान, खून और शोले, चनाजोर गरम, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और भस्मांगुर के अलावा भूमिजा जैसे खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन ने हिंदी कविता को आम जनजीवन के अनेक नए मूल्यों की समृद्धि प्रदान की। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े जब तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। पर पीरा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के सुखड़ों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। हिंदी के प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन ने इस कविता के द्वारा अपने स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक बोध और कविता की रचना प्रक्रिया में कवि की स्वानुभूति के महत्व का रेखांकन किया है। संस्कृत के महान कवि कालिदास के तीन प्रसिद्ध ग्रंथों रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत में चित्रित अज विलाप, रति विलाप और यक्ष के करुण निवेदन को विषय बनाकर इस कविता में नागार्जुन ने उनका मौलिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। कविता प्रश्न शैली में रची गई है। नागार्जुन कहना चाहते हैं कि कवि कालिदास में प्रसंगों तथा अपने पात्रों से तादात्म्य बिठा लेने की स्वाभाविक क्षमता थी। वे अपने पात्रों की परिस्थितियों तथा उनकी मनोदशाओं के अनुकूल अपने को साधनीकृत कर लेते थे। इस आधार पर नागार्जुन कहना चाहते हैं कि अज, रति और यक्ष की करुण मनोदशा में कालिदास ने स्वयं को डालकर उन प्रसंगों की रचना की थी। प्रश्न शैली में नागार्जुन पूछते हैं कि हे कवि कालिदास, रघुवंशम में राजा अज जब अपनी पत्नी इंदुमती की मृत्यु के बाद उनके लिए जो विलाप करते हैं, उसमें क्या आपके अपने किसी यथार्थ अनुभव का योग नहीं है? अनुभूति की यथार्थता के बिना वैसा प्रभावकारी चित्रण संभव कैसे हुआ? भगवान शंकर के क्रोध से कामदेव के जलकर भस्म हो जाने के बाद उसकी पत्नी रति के विलाप का जो कुमार संभव में करुण प्रसंग है, उसकी रचना करते वक्त भी कवि कालिदास को निश्चय ही वैसी करुण मनोदशा का निर्माण करना पड़ा होगा और निश्चित रूप से बार बार उनकी भी आंखों में आंसू आए होंगे। मेघदूत में आकाश में उड़ने वाले मेघों से प्रिया के विरह में जल रहे यक्ष ने अपनी विरहकूलता का करुण बखान किया था। नागार्जुन कहना चाहते हैं कि कालिदास ने उस प्रसंग में निश्चय ही स्वयं को इतने यथार्थ और स्वाभाविक रूप में सम्मिलित किया है कि जैसे वहां वे संदेह उपस्थित रहे हों, बादलों के सहचारी हों और यक्ष के साथ स्वयं भी
विरह विदग्ध होकर फूट फूट कर रोए हों। इन करुण प्रसंगों की स्वाभाविकता प्रमाणित करती है कि कवि ने उन स्थितियों से अपने को पूरी तरह साधारणीकृत करने के बाद उन प्रसंगों की रचना की है।